हे गाइस वेलकम दोस्तों, रेडमी नोट 11 सीरीज जो कि आई थिंक ये चाइना के अंदर लास्ट अक्टूबर तक लॉन्च कर दी जाएगी। स्पेशली तीन स्मार्टफोन आपको अभी के लिए मिलेंगे, रेडमी नोट 11, 11 प्रो एंड 11 प्रो मैक्स। दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन की जो चाइनीज प्राइस है ना वो रिवील कर दी गई है और उस प्राइस से हम इंडियन प्राइस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। एक्चुअल में दोस्तों काफ़ी टाइम पहले इंडियन BIS पर चार स्मार्टफोन को लिस्ट किया गया था नोट 11 सीरीज के, तो तीन तो आपको यही स्मार्टफोन मिलेंगे, नोट 11, 11 प्रो एंड 11 प्रो मैक्स। जो चौथा स्मार्टफोन होगा रेडमी नोट 11S वो दोस्तों आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, इंडिया प्राइस और ये कब तक लॉन्च हो सकता है फुल एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। दोस्तों लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में चाइना के अंदर ये तीनों स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है जो Xiaomi की रेडमी नोट सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती है, काफ़ी फेमस रहती है। इसका रीजन है दोस्तों काफ़ी अग्रेसिव प्राइस पर आपको इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि गाइस कैमरा, बैटरी परफॉर्मेंस, डिस्प्ले वाइज सब कुछ आपको एकदम परफेक्टली मिलता है, वो भी काफ़ी कंप्रेस रेंज पर। तो ये इनकी जो सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती है इंडियन मार्केट में। दोस्तों अब बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले गाइस ये तीनों स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं Redmi Note 11 5G स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 810 5G चिपसेट ऑफर किया जाएगा, 6nm पर बेस्ड है, परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट प्राइस के अकॉर्डिंग काफी दमदार आप लोग कर पाओगे। दोस्तों बैक में आपको 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास मिलेंगे, सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी जाएगी। इस फोन में दोस्तों आपको 5000mAh की बैटरी ऑफर की जाएगी, 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, इन द बॉक्स आपको 33W का चार्जर दिया जाएगा। दोस्तों इस फोन में आपको 120Hz का IPS डिस्प्ले दिया जाएगा, एमुलेट नहीं होगा बल्कि 120Hz के साथ एक IPS LCD पैनल होगा, जो कि दोस्तों आपको डिस्प्ले बाज काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म मिलने वाला है, क्योंकि जिस प्राइस पर ये आएगा उस प्राइस पर दोस्तों डिस्प्ले बाज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अच्छा खासा यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है और आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो गाइस ये थे Redmi Note 11 5G के स्पेसिफिकेशन जो कि अभी तक रिवील किए गए थे। दोस्तों अब बात करते हैं Redmi Note 11 Pro 5G की। तो गाइस इस फोन में आपको MediaTek का Dimensity 920 का चिपसेट ऑफर किया जाएगा। ये दोस्तों दोनों ही चिपसेट अभी रिसेंटली में आई थिंक एक दो महीने पहले ही रिवील किए गए थे MediaTek की तरफ से। तो दोनों चिपसेट दोस्तों ये 6nm पर रन करते हैं, तो गाइस एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी तगड़ी होगी, गेमिंग एक्सपीरियंस आपका दमदार होगा इस प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग, तो गाइस परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमराज दिए जाएंगे, बट यहाँ पर आपको सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी जाएगी। गाइस इस फोन में आपको 120Hz का डिस्प्ले दिया जाएगा, बट एक OLED डिस्प्ले यानी कि सुपर एमुलेट डिस्प्ले ही ऑफर किया जाएगा। OLED में और सुपर एमुलेट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा बेटर होता है OLED डिस्प्ले एमुलेट के कंपेयर, तो वो डिस्प्ले इसमें ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको 5000mAh की बैटरी दी जाएगी, बट 67W के फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगा और आई थिंक आपको 67W का चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं Redmi Note 11 Pro Max की। तो गाइस इस फोन में आपको क्वालकॉम का चिपसेट ऑफर किया जाएगा, स्नैपड्रैगन 778G जो कि 6nm पर बेस्ड है और ये इससे पहले काफ़ी सारे स्मार्टफोन में ऑलरेडी मिल चुका है, बट Xiaomi की तरफ से Redmi Note सीरीज के अंदर आपको फर्स्ट टाइम ये ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें भी आपको 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, 120Hz का सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में भी आपको 5000mAh की बैटरी ऑफर की जाएगी, बट इसमें दोस्तों आपको 120W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, 33W, 67W और 120W। तीनों स्मार्टफोन में आपको डिफरेंट चार्जिंग देखने को मिलेगी, तीनों के इन द बॉक्स आपको अलग अलग चार्जर्स देखने को मिलेंगे, तो ये दोस्तों Xiaomi काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग करने वाला है चार्जिंग को लेकर। बाकी दोस्तों तीनों स्मार्टफोन में आपको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, 3.5mm का जैक मिलेगा, NFC का सपोर्ट भी दिया जाएगा चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर होगा या नहीं होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फाइनली गाइस अब बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। तो गाइस जो Redmi Note 11 है ना उसकी जो प्राइस है वो होने वाली है
अंडर 15,000, जी हाँ 15,000 से कम की प्राइस पर आपको इंडियन मार्केट में मिलने वाला है। और जो नोट 11 प्रो है उसकी प्राइस कुछ 18-19,000 के करीबन रहने वाली है। इसका जो हायर वेरिएंट होगा नोट 11 प्रो मैक्स, उसकी दोस्तों जो प्राइस है वो अबव 20,000 रहने वाली है। जी हाँ 20-25,000 के बीच में आपको मिलेगा। आई थिंक 22-23,000 रुपये की प्राइस पर आपको नोट 11 प्रो मैक्स मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया लॉन्च के बारे में। तो गाइस ये स्मार्टफोन सीरीज आपको नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर के मिड तक इंडियन मार्केट में मिल सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ना तो लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कीजिए। मैं मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।